आज हम लोग प्रैक्टिस करेंगे एक्टिव पैसिव की, और हम लोगों ने पिछले दिनों में एक्टिव पैसिव को प्रॉपर पढ़ा है, उसमें हम लोगों ने सारे रूल्स कवर किए हैं। आई होप आपको याद भी होंगे, समझ में भी आए थे। तो एक्टिव पैसिव पेपर सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ चीजें जो है उसको रिमाइंड कर लेंगे, ताकि वो चीजें याद आ जाए और तब पेपर सॉल्व। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने जब एक्टिव पैसिव पढ़ा, तो एक्टिव पैसिव में हम लोगों ने जाना कि एक्टिव क्या होता है, पैसिव क्या होता है। देन वी हैव कवर्ड एट गोल्डन रूल्स, आठ गोल्डन रूल पढ़े थे हम लोगों ने, जिनमें हम लोगों ने जो आठ टाइप के टेंस बनते हैं वो भी सीखे थे, और किसको किसमें कन्वर्ट करना होता है हम लोगों ने वो भी सीखा था। फिलहाल मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूं। अगर एक्टिव वाइस है और इधर पैसिव वाइस है, तो हम लोग क्या करते हैं, देखो ध्यान से, अगर एक्टिव वाइस में आई आता है तो हम लोग क्या बदल देते हैं उसको, मी में। यू आता है तो यू में बदल देते हैं। ई को बदलेंगे इम, शी को हर में, रे को जब में, ठीक है। तो ये ऐसे बदल देते हैं, आई को मी, यू को यू, ही हिम, सी हर, दे देम, ठीक है ना। वी को अस, ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग एक्टिव से पैसिव वाइज में बदलते हैं। और आप याद करिए कि जब हम लोग टेंस में बदलते हैं, टेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू या फिर डज आ जाएगा, ये आपका एक्टिव वॉइस है और ये आपका पैसिव वॉइस। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी डू डज आ जाएगा, तो हम लोग किसमें बदलेंगे, एच आर एम। अगर एच या आर या एम आ जाएगा तो क्या करेंगे हम, एच आर प्लस एम, मतलब जो भी रहेगा, है ना, उसमें। और इसमें एक खास बात होती है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। अगर इज आरएम के साथ में आईएनजी आ जाएगा, तो हम लोग जब पैसिव बनाएंगे तो उसमें एक शब्द बढ़ाना होता है, वो होता है बीइंग। क्या बढ़ाना होता है, बीइंग। उसके बाद में आता है आपका वर्ब की सेकेंड फॉर्म या फिर डे प्लस वर्ब की फर्स्ट। देखो अगर एक्टिव वाइज में, अगर एक्टिव वाइज में वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए, क्या आ जाए, सेकंड फॉर्म, या फिर डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, तो इसको हम बदल देंगे वाज वर्ब, बदल देंगे वाज वर्ब, देन वाज या वर्ब प्लस आईएनजी, क्या आ जाए, आईएनजी आ जाए। तो कितने बदल देंगे, वाज तो वाज ही रहेगा, वर वर रहेगा, लेकिन बीइंग बना, क्या बढ़ा देंगे, बीइंग बढ़ा देंगे। तो एक्टिव पैसिव में बस मुझे इतना याद रखना है कि अगर आईएनजी मिलेगा, अगर आईएनजी मिलेगा तो हम बीइंग जरूर आंसर में होगा, श्योर 100%। क्या मेरी बात समझ में आ रही है, बीइंग जरूर होगा, क्योंकि अच्छी बात यह है कि हमारे पास चार ऑप्शन होंगे और चार ऑप्शन में जो हमको सटीक मिल जाएगा वो हम लगा देंगे। मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको 5 सेकंड में एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाऊंगा, तो आज वो दिन आ गया कि जब हम लोग 5 सेकंड में जवाब देंगे, है ना। इसी दिन के लिए हम लोग इतने दिन से पढ़ रहे थे, और अभी आप देखिएगा। उसके बाद
अगर पेपर में आपका हैज, हैव या हैड आ जाता है, क्या जाता है? हैज आ जाएगा तो हम कह देंगे हैज बीन, क्या कह देंगे? हैव आ जाएगा तो हैव बीन, और हैड आएगा तो हैड। तो इतनी बातें आपको विशेष ध्यान रखनी है, है जाएगा तो हैज बीन, हैव आएगा तो हैव बीन, हैड आएगा तो हैड। आगे देखो, आगे क्या होता है? विल, विल या शैल, विल या शैल आ जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे? विल बी और शैल बी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता था आपका विल हैव और शैल हैव, तो विल हैव का हो जाएगा आपका विल हैव बीन, और शैल का हो जाएगा शैल हैव बीन। क्या बात समझ में आई? यस सर। अभी एक और बच रहा है कुछ, पता ये हैड मैंने एक ही में कर दिया है ना, तो ये हो गया। तो ये आपको हैशटैग याद रखने हैं और आपको याद भी है, इसमें कोई भी दिक्कत आपको नहीं। तो जो पहला पेज है आप देखो, ये जो पहला पेज है जिसमें ढेर सारे इरर दिए हुए हैं, इरर ए बी सी डी में इरर आपको ढूंढना है, तो ये हम लोग बाद में करेंगे। तो इसके आगे वाला पन्ना खोलो और उसमें क्वेश्चन नंबर 5 फोटो खिंचवा देती हूँ, चलो हाँ उसमें देख लीजिए, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। तो क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो इसमें 5 to 15 है एक पन्ने में, जल्दी से अपने हिसाब से टिक करो, फिर मैं मैच करूँ। 5 मिनट आपके पास, बिना बात किए हुए कोई बात नहीं करेगा। एक पेज है ना अभी, ठीक है, अभी करूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ सब सही करेंगे, बहुत ईमानदारी से और मन लगाकर करिएगा, गलत नहीं होना चाहिए। जल्दी से करिए, हो गया? यस सर। चलो चलो
चलो करते हैं हम लोग साथ में, है ना, करें तो हो गया। पहला लिखा हुआ है दे ड्रू अ सर्किल इन द मॉर्निंग। अब पहले मैं आपको दो जो क्वेश्चन है मैं समझाऊंगा, देन मैं आपसे पूछूंगा। तो देखो पहला आया है दे ड्रू अ सर्किल, अब देखना था दे ड्रू, बस मुझे कितना मिल गया। ड्रू कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। अब इशारा जाओ, अगर ये सेकंड फॉर्म है तो इसका मतलब ये रही सेकंड फॉर्म। अगर सेकंड फॉर्म है तो क्या आना चाहिए? या तो वाज या फिर वर। ठीक है, अब देखो किसमें वाज वर है, वाज वर है। क्या चौथे में वाज वर है? नहीं है, खत्म। ऑप्शन ए बी सी बचा। क्या सी वाले में वाज वर है? नहीं है, यानी सी और डी ऑप्शन फिनिश। बचता है ए और बी, जादू। अब देखो बीइंग मैंने कब बताया था, बताओ। मैं कह रहा हूं कि बीइंग कब आएगा, जब बीइंग तब आएगा जब आईएनजी होगा। तो तीन ऑप्शन निकल गए, कौन सा ऑप्शन बचा? सेकंड ऑप्शन बी बचा। लुक, मैंने देखा भी नहीं बी में लिखा क्या है। सही, मैं नहीं देखूंगा बी में क्या लिखा है, बस खत्म। ऐसे याद आता इससे कठिन नहीं आएगा, जितना मैंने पढ़ा दिया है आपको उससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, गारंटी इस बात की, क्योंकि आपने बहुत डीप पढ़ा है और बहुत इसे स्ट्रक्चर वाइज पढ़ा हुआ है, तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 6। तो फर्स्ट वाले में बी है ना, तो वो कितना अरे ये कह रहे समझ में नहीं आया मेरी बात। पहले ऑप्शन में लिखा है द सर्कल वॉज बींग, अब बींग कब आता है? जब आईएनजी होता है। क्या सेंटेंस में आईएनजी था? नहीं था, नहीं था तो फिर बींग कैसे आ जाएगा? पहला ऑप्शन हो ही नहीं पाएगा। तो अ सर्कल वॉज ड्रॉन बाय दे का क्या हो जाएगा? देम इन द मॉर्निंग। बस नहीं समझ में अभी भी सबको आया? कोई ऐसा इसको समझ में नहीं आया? चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 6। अब देखो दे विल, अब देखो कुछ नहीं करना, विल आ गया है तो विल का आंसर क्या होता है? विल का होता है विल बी, विल का होता है विल बी। अब विल बी देख लो कहां कहां लिखा है, केवल चौथे ऑप्शन में। अरे वाह, ये तो खत्म, मुझे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो जादू है। विल का विल बी कहां लिखा है? सीएम समझ में आ रहा है, ये विल है तो क्या हो जाएगा? विल बी। और विल बी कहां लिखा है? देखो फोर्थ ऑप्शन में लिखा है, बस फिनिश। ठीक, आगे बढ़े। हाँ ठीक, क्वेश्चन नंबर 7। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड, अब डिस्ट्रॉयड कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है तो क्या बनेगा? वर्ज वर। ठीक है, सेवरल आइटम्स इन द रूम इवन द कारपेट हैज बीन टॉर्न। अब देखो बी 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 ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। अच्छा, अब देखो सेवरल, अब सेवरल आइटम्स इन द रूम था तो इसको मैं पहले ले आया, तो क्या हो गया? सेवरल आइटम्स इन द रूम, ऑब्जेक्ट को हम पहले ले आए। अब डिस्ट्रॉयड था
तो वाज वर आना चाहिए, सेवरल आइटम्स यानी प्लूरल था तो वर चाहिए, क्या चाहिए वर, तो सेवरल आइटम्स इन द रूम वर। देन वर्ब की थर्ड फॉर्म डिस्ट्रॉयड बाय द वर्ब, तो ऑप्शन नंबर ऐसा लिखा हुआ है केवल बी ऑप्शन, और कहीं लिखे नहीं सर, तो यही तो होता है पहले ऑब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब देन वर्ब की थर्ड फॉर्म फिर उसके बाद में बाय सब्जेक्ट, ऑप्शन बी। अब कितना सरल आ गया, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स, अगर वी मस्ट आ गया है तो मस्ट को क्या बनाते हैं, मस्ट बी, कैन को, गुड को, शैल को, विल, ऑट टू, ऑट टू बी, यूज टू, यूज टू बी, तो मस्ट बी का मस्ट बी देखो कहां लिखा है, बी बी आप देखो मस्ट बी दो जगह मिल गया आपको, दूसरे ऑप्शन में और तीसरे। अच्छा तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या था, द एल्डर्स, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस, तो सी ऑप्शन है, कितना आसान है, कितना ऑप्शन सी। तुम बहुत बात करते हो, तो बी का अस होता तो कहां लिखा है, ऑप्शन सी में लिखा है, बस कसम ऑप्शन सी। अगला देखो, वी हैव वॉर्न्ड यू, अब हैव आ गया तो हैव को क्या बनाएंगे आप, हैव बीन, कहां लिखा हुआ है, अरे कितना आसान था, हैव बीन पहले भी लिखा है, ऑप्शन नंबर एक, कितना आसान है, जान लो इसको, देखो और कितने सेकंड लग रहा है, पांच सेकंड अरे लड़कियों क्यों बात कर रही हो, केवल मैं बोलूंगा, आप तब बोलेंगे जब आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक मैं बोलूंगा, केवल मैं। आगे क्या बता दूं, नौ वाला सर दो जगह हैव बीन दो जगह। अच्छा आप देखो मैं बता दूं, देखो देखो उसमें आया था, मना किया बात करने से, लिखा हुआ वी हैव वॉन्ड यू, ठीक, आप देखो किसको नहीं समझ में आया था आपको, अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, यू, तो यू को हम ले आए पहले, जी सर, क्या आपने मेरी क्लास को अटेंड किया है, एक्टिव पैसिव वाली, ठीक, यू पहले ले आए, फिर उसके बाद में हैव का हो जाएगा हैव बीन, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, बी का क्या हो जाएगा, तो अब अस तो किसी में भी नहीं था, जब अस किसी में भी नहीं है तो अस को हम भी ध्यान नहीं देंगे, तो यू हैव बीन वार्न किस में लिखा हुआ है, अब समझ में आई बात, भाई देखो किसी को समझ में ना आए तो पूछेगा, ये आपका मतलब समझदारी होगी कि अगर आप नहीं पूछेंगे तो फिर गलत बात है, आप पूछो मैं समझूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, आपको है जाकर क्या होना चाहिए, हैज होना चाहिए, हैज है तो हैज आएगा। अब योर क्वेश्चन पहले आ गया, उसके बाद में बीन आंसर, मैंने आपको एक रूल लिखाया था कि कुछ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट होते हैं उनको बाई के साथ लिखा नहीं करना, उसमें एनीबडी, समबडी, नो वन, वन इस टाइप के जो होते हैं उनको हम लोग ऑब्जेक्ट के साथ नहीं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग नहीं, क्या बात समझ में आई, यस सर, तो कौन सा उत्तर सही है, सी, हैज योर आंसर बीन आंसर, सबको समझ में आया, यस सर, नेक्स्ट, नहीं सर नहीं है,
आप पहली बार आई ना? नहीं सर, सेकंड क्लास है। एक्टिव बच्चे पढ़े? हाँ सर पढ़े। ये सर लास्ट, ये लास्ट में आई थी बिल्कुल। देखो कोई बात नहीं, अब देखो मैंने कहा था आपको दूसरा चैप्टर जो नया पढ़ाऊंगा वो समझ में आएगा, लेकिन चलो कोशिश करते हैं। Has anybody answered your question? अब देखो सर ध्यान से, इंट्रोगेटिव का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, आपको पता ही नहीं? हाँ, तो क्या होता है फॉर्मूला इसका? अगर हैज है तो क्या जाएगा पहले? जो ऑब्जेक्ट क्या है? योर क्वेश्चन, योर क्वेश्चन यानी सिंगुलर, इट मींस है, तो है जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या हो? योर क्वेश्चन, उसके बाद में अनसर्ड है। नहीं नहीं, अब है तो क्या जाएगा? बीन। हैज योर क्वेश्चन बीन अनसर्ड? आंसर बस ना हो जाएगा। आया तो अब भी नहीं इनको, जब पढ़ाई नहीं है एक बार तो गए समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी। बात समझ में आई कि नहीं? थोड़ा पल्ले पड़ा। ठीक। 11, द शॉपकीपर लोवर्ड। अब लोवर्ड कैसी फॉर्म है? सेकंड। आंसर बता दो। अगर लोवर्ड है तो वाजवर आना चाहिए। वाजवर कहाँ है? वाजवर केवल एक ही ऑप्शन में है, वो ऑप्शन है बी। बी ऑप्शन कौन सा है? बी। तो क्या हो जाएगा? द प्राइसेस वर लोअर्ड बाय द शॉप कीपर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट। अरे मुझे तो बोलने दो, सब बता रहे हैं पहले पहले। 12, वन मस्ट कीप वंस प्रोमिसेस। तो वंस प्रोमिसेस और मस्ट का क्या हो जाएगा? मस्ट बी। मस्ट बी कहाँ लिखा है? अरे कितना आसान था, ये तो बहुत टाइम ले लिया हमने। मस्ट का मस्ट बी, मस्ट का ऑप्शन दिया। पहले में है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में है और चौथे में है। अब छोरे बहुत कहानी गंभीर है, अब देखते हैं पहले में, तीसरे में, चौथे में हैव बीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसका ऑब्जेक्ट क्या है? लिखा हो पहले ऑल द डिटेल्स। ऑब्जेक्ट था रहा है ऑल द डिटेल्स ऑफ द इन्वेंशन। इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए हैव, तो हैव हो गया। फिर बीन पब्लिश्ड और दे का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है मिला ये सही है क्या? कोई डाउट? एनीवन इज ओके। नेक्स्ट 15, ये तो मैंने बोर्ड पे लिखाया था, ही टीचेज अस इंग्लिश ग्रामर। ये क्या क्या पेपर में ही टीचेज अस ग्रामर। अब एक बार पे डबल ऑप्शन वाला ये डबल ऑब्जेक्ट, एक अस से बनेगा और एक इंग्लिश से बनेगा। अब देखो इन भाई साहब ने किससे बनाया?
अस्य बनाया, तो जो अस्य क्या बनेगा, बी अब टीचिंग है। देखो मैंने कहा कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए डू या डज आए एस या ईएस आए तो क्या बना देंगे, इट आर एम बना देंगे। क्या बना देंगे, इट आर एम। ओके आप देखो वी वी के साथ क्या लगाएंगे, आर वी आर और टीच की थर्ड फॉर्म डॉट। ऑप्शन बी, एक ही ऑप्शन जवाब को ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो फिर यहाँ क्यों पढ़ रहे सर, अभी 15 दिन का क्या है जी कॉलेज में, अब वो अरे इन्हें बता ना सर, ये सर बात में यूट्यूब पे क्लास देखना फिर अरे जाने दो। और कोई बैठा है, बुला बैठा सबसे कोई, तो ऑप्शन बी सही हो गया, 60 रुपया किसके 5 से 15 10 जो थे सबके सब सही है, ये पूरे पेपर में सारे सही स्टिच है, एक नहीं सारे इससे सही है, 1 2 3 4 5 आप लोग क्यों नहीं सही है, मुझे सारे चाहिए। चलो सुनो मेरी बात सुनो, अगला पन्ना जो है अगले पन्ने को जल्दी से हम लोग सॉल्व करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे हम लोग 5 मिनट आपके पास 5 मिनट अब बड़े लगाना मैं देखने आ रहा हूं, जिसके सही होंगे सारे उसको उसको मिल सकता है इनाम, जल्दी से आपकी क्लास में जो कूड़ा एक चिप्स जो पड़े हैं जब छुट्टियों में सब लोग ले जाके अपने पास से जिसके पास कूड़ा पड़ा होगा बाहर फेंके, याद रखें अभी नहीं बात की आफ्टर क्लास, Thank you.
ओके ओके सॉल्व हो गया। यस सर। सर ये मत लगा। चलिए सॉल्व करते हैं फिर। 16 पे लिखा है कि द मैनेजर कुड नॉट, अगर कुड आएगा तो क्या बनाएंगे? कुड बी। कुड आएगा तो कुड बी, कुड बी। और नॉट है तो कुड नॉट बी, कुड नॉट है तो कुड नॉट बी। अब कुड नॉट बी कहाँ कहाँ लिखा है? खत्म। कितना आसान था, एक सेकंड में उत्तर आ गया। कुड है तो कुड नॉट बी, मैंने बोर्ड पे लिखवा दिया है, नहीं लिखा। अरे देखो, अगर कैन है, कुड है, मे है, माइट है, या जितनी भी मॉडल्स हैं, जितनी भी मॉडल्स हैं, उन सब में क्या हो जाता है? बी जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? तो कैन है तो कैन बी, मे है तो मे बी, कुड है तो कुड बी। ऑप्शन ए। 17 प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द वर्स्ट। अब देखो योर सेल्फ अनइम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये तो आएगा नहीं। जिसमें योर सेल्फ नहीं होगा वही उत्तर होगा। तो योर सेल्फ दूसरे में है, बेकार। क्या बनाया इसका? अब मैं बताता हूं आपको, देखो ध्यान से। लिखा हुआ है प्रिपेयर, प्रिपेयर योर सेल्फ, और आगे लिखा हुआ है फॉर द वर्स्ट। फॉर द वर्स्ट, तो फॉर द वर्स्ट से मतलब नहीं, क्योंकि प्रिपोजिशन आ गया है। अब इसका बनाना है प्रिपेयर योर सेल्फ, अपने आप को तैयार करो। अब योर सेल्फ से मतलब नहीं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस में नहीं जाएगा। अब प्रिपेयर का बनाना है, उसको बना दो बी प्रिपेयर और फॉर द, और इसे जोड़ दो बस। कहां लिखा है साहब? ऑप्शन सी। 18 लो आ गया, प्लीज शट द डोर एंड गो टू स्लीप, दरवाजा बंद करो और सो जाओ। प्लीज शट द डोर, तो प्लीज आता तो क्या करते हैं? You are requested to. तो कहां लिखा हुआ है? You are requested to shut the door and go to sleep. Option C. C. Option C. इधर आएगा। It is impossible to do this. अब याद करो, मैंने क्या आपको टू वाले इन्फिनिटी वाले कराए थे? यस सर। जब मैंने आपको 7 मिसलेनियस रूल लिखवाए थे, उसमें ऐसे वाले बताए थे, तो आया है इट इज इम्पॉसिबल टू डू दिस। तो कैसे बनेगा? दिस इज इम्पॉसिबल टू बी डन। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। थक गए? नहीं सर। 20 समझ में आया? ठीक। 20 आप देखो, मैं एक बात बोलूंगा, आंसर आपको मिल जाएगा। वी मस्ट, मस्ट आएगा तो क्या हो जाएगा? मस्ट बी। मस्ट बी पहले सर्च करो कहाँ कहाँ है। कितना आसान है ये, कितना आसान। इससे पहले आपने कभी एक्टिव पैसिव इतना आसान नहीं पढ़ा। मस्ट है तो मस्ट बी, और मस्ट बी कहाँ लिखा है सर्च कर लो 4 ऑप्शन में। ऑप्शन बी, ऑल लिविंग स्पीसीज ऑन अर्थ मस्ट बी टेकन केयर ऑफ बाई अस। नेक्स्ट 21
ही वॉज अरेस्टेड. ओके, अरेस्टेड मीन्स वर्ब की सेकेंड फॉर्म. सेकेंड नहीं, वॉज भी आ गया है. वॉज देख, अभी पढ़ ले, पढ़ ले, पहले पढ़ तो ले. We was arrested on the charge of theft. अच्छा आप याद करो, आप was verb कब लगाते थे? देखो was आया है और verb की third form है was arrested. तो जब इधर वाला आया तो इसका मतलब है sentence कैसा है? Passive voice है. कैसा है? पैसिव वाइज है. इसका मतलब ये हो गया, हमें बनाना होगा एक्टिव. एक्टिव बनाना होगा. अभी तक हम लोग एक्टिव टू पैसिव बना रहे थे, लेकिन अब पैसिव टू एक्टिव बना. कैसे पहचाने हम? वाज अरेस्टेड से. जी सर, ही पहला है. ठीक है. अच्छा, जो चोर है उसको पकड़ेगा कौन, ये बता दो. पुलिस. चोर को पकड़ेगी पुलिस. तो पुलिस पहले ढूंढो कहाँ कहाँ है. ऑप्शन बी और सी. अब बी और सी में आंसर है. ठीक. और देखो, अभी मुझे ये नहीं पता है कि बी और सी में कौन सा आंसर है, मुझे नहीं पता. लेकिन फिर भी एक अच्छी बात है कि 50-50 ऑप्शन है मेरे पास, है ना. ओके, अब दोनों को कंपेयर करेंगे. द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन अ चार्ज ऑफ थेफ्ट. पूरा कॉमन है. बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस. और देखो, बी वाले में लिखा हुआ ही वॉज रिलीज्ड. और जब ही वॉज रिलीज्ड है तो ही वॉज रिलीज्ड कैसा है? पैसिव है. तो उसका बनाओ एक्टिव. तो जब हम पैसिव से एक्टिव बनाएंगे तो वॉज क्या होगा? गायब हो जाएगा. और हम क्या कर देंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो हो जाएगा द पुलिस अरेस्टेड हिम ऑन द चार्ज ऑफ ऑन ए चार्ज ऑफ थेफ्ट बट फॉर लैक ऑफ एविडेंस Released him. C option is the right answer. किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं आएगा, मैं पास आके बता दूंगा उसको. कौन ऐसा है? कोई है? जो कोई नहीं मिला, सबको समझ में आया है इसका. है? चलिए आगे बढ़ते हैं. लोग कितना सरल. I sell. Sell आएगा. Oh my God. देखो. देखो, इसमें एक चीज सिखाना चाहूंगा, एक चीज समझो इसको. आई सेल ऑर्डर. समझो इसको. आई सेल ऑर्डर द कैरिज. अब एक बात समझो इसमें, ध्यान से देखो. आई सेल ऑर्डर द कैरिज. अब एक बात समझना, ऑब्जेक्ट कहाँ लिखा है? तो इसको लेकर आएंगे. शिवम, आवाज आ रही मेरे पास? बोल रहे देखा, तुम क्यों बोल रहे? तुझसे पूछा क्या? मैं दोनों को भगा दूंगा, समझ लो. हल्दी किसने बकवास किया? तुम भी बोलोगे नहीं, मैं दिख रहा हूँ, तुम बोल नहीं पा. क्या बोल रहे? देखो, द कैरिज उठा के हम ले आए, इधर ऑब्जेक्ट हो गया द कैरिज. ठीक है ना. अब एक चीज देखो, द कैरिज है और आपको पता है आई वी के साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? सेल. सेल ठीक था एक्टिव में, लेकिन जब इसका हम पैसिव बनाते हैं तो द कैरिज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? विल. विल बी ऑर्डर का ऑर्डर. बात समझ आ गई? कहां लिखा है ऐसा? द कैरिज विल बी. बस सरल. देखो, क्लास को ज्वाइन नहीं की तुमने, समझ में आया नहीं. ठीक है, और भी समझ नहीं रही हूँ. कैरिज लिया इधर, उसके बाद में कैरिज के अकॉर्डिंग क्या लगना चाहिए? विल. और विल था जब पैसिव बनाते हो जाता है विल बी. फिर आपके वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑर्डर से क्या हो जाएगा? ऑर्डर.
ऑर्डर्ड और बाय मी। अब बाय मी ऑप्शन में दिया नहीं है, अगर नहीं दिया है तो हम भी इसको नहीं लिखेंगे, किसी ऑप्शन में नहीं दिया है तो इतना आंसर आपका ठीक है ना। अगर बाय मी होता तो सही होता, और दिया ही नहीं है तो ट्वेंटी थ्री का जवाब 23 का ऑप्शन डी रिफॉर डॉग, 25 सी ऑप्शन है सी। देखो 25 में मस्ट लिखा था ठीक है, तो मस्ट चलो चलो मैं बता रहा हूँ क्या 23 किसी को पूछना है, 23 किसी को पूछना है। अच्छा ठीक आ गया 23 देखो पॉवर्टी 23 देखो पॉवर्टी ओब्लाइज हिम टू स्टील, तो टू स्टील जैसा है उसको वैसा लिखा रहा है क्योंकि प्रीपोजिशन रिमेनिंग पार्ट है ये। अब हिम ओब्लाइज लिखा है पॉवर्टी ओब्लाइज हिम, इसके अकॉर्डिंग बनाओ तो हिम आगे क्या आएगा तो क्या हो जाएगा ही, और ओब्लाइज है सेकंड फॉर्म, सेकंड फॉर्म की अकॉर्डिंग बस, तो ही वाज ओब्लाइज की थर्ड फॉर्म बाय पॉवर्टी और टू पास हो गया। यस सर 24 किसी को पूछना है ठीक है 24 का डी। 25 देखो यू मस्ट लुक इनटू द मैटर ठीक है, यू मस्ट आपको तुमको इस मैटर की जांच करनी चाहिए अवश्य, इस मैटर की अवश्य जांच करनी चाहिए, अब करनी चाहिए निकलना ठीक है। क्या मस्ट का क्या होता है बताओ, मस्ट बी। अब मस्ट बी का किसी ऑप्शन में है नहीं तो नहीं है, तो मस्ट बाई मस्ट बी की जगह रिप्लेस हो जाएगा शुड बी, क्योंकि शुड का मतलब भी होता है चाहिए होता है कि नहीं ठीक है। द मैटर शुड बी लुक्ड इनटू बाय यू, बस यही तो बात समझ में आई नहीं बात समझ में ठीक है। 26 का जवाब 26 का डी ऑप्शन है डी फॉर डॉग। लो कितना आसान है, आर बिल्डिंग अगर इज आर एम और आई एन डी आगे तो क्या होना चाहिए बीइंग, अब बीइंग वाला है अ हाउस इज बीइंग बिल्ट बाय देम नेक्स्ट डोर टू आवर स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर डी डी फॉर डॉग। ये तो हम लोगों ने खूब किए थे प्रैक्टिस में है ना ठीक। 27 का जवाब 27 करना है अभी ले लो 5 मिनट जल्दी से 27 से करो मैच कराता हूँ अभी। ये वाले क्वेश्चन भी बचे हैं ये वाले है ना इधर वाले जल्दी करो 27 से जल्दी से कर डालो। जल्दी जल्दी करो Thank you.
चलिए मैच करें। यस सर। चलो 27 का जवाब पहला। 27 का फर्स्ट। यस सर। चलो देखो इसको देखते हैं। अ लायन मे बी हेल्प्ड इवन बाय ए लिटिल माउस। ये दिया हुआ था पैसिव वाइज। क्या था ये? पैसिव वाइज। और पैसिव को करना होगा एक्टिव। ओके। अब ऑब्जेक्ट ले आओ पहले। अ लिटिल माउस मे इवन हेल्प अ लायन। सही है फिर? ऑप्शन एक लगा। देखो ए नहीं हो पाएगा, बी हो जाएगा। क्या लिखा था? बी की ए। क्यों लिखा था बी? बी क्यों लिखा था? हाँ बी इवन पहले लगेगा, इवन बी में नहीं लगेगा। जिनका ए ऑप्शन सही है लगा है, वो गलत है बी वाला ऑप्शन, क्योंकि इवन बी में बनना पाएगा। अब देखो बाई होम के बाद आती है क्या वर्ब? बाई होम के बाद वर्ब यानी वॉच। तो ऑप्शन नंबर डी। का है सही जवाब। क्या है जवाब सही? बी। देखता हूँ। ही न्यू दैट हिज ओन लाइफ वाज अनजस्ट। तो देखो नो न्यू का नोन हो जाएगा और नोन टू होता है हमेशा। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, देखो अगर नो आ जाए कहीं पे आपके एक्टिव में, तो जब पैसिव बनाएंगे तो इसमें बाई लगता है, बाई नहीं लग पाएगा। नो के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है। इसका प्रयोग होता है टू का प्रयोग। ठीक है, अरे सरप्राइज है तो सरप्राइज एक्ट हो जाता है। नो है तो नोन टू हो जाता है, इसमें बाई नहीं आता। तो ऑप्शन सी सही है। 35 ऑप्शन डी। 36 ऑप्शन सी। क्या 36 तक किसी को प्रॉब्लम? किसी को है समस्या? मैं बता दूं उसको। आप पेज नंबर एक खोलो जल्दी से। क्या किसी को कोई समस्या है इसमें अभी तक? आगे बढ़े। ठीक, अब सबसे इम्पॉर्टेंट शुरू होता है ये वाला। इस टाइप के इरर देखो, अगर आपने एक्टिव पर जो ठीक से पढ़ा है तो ये भी इस पेपर उस करने में, पता समस्या क्या है? इसे हम किन बातों का, इसमें हम ध्यान क्या रखेंगे? इसमें हम ध्यान ये रखेंगे कि वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑलवेज पैसिव अगर होगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। उसके बाद में अगर सेंटेंस ऑब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब वो पैसिव है। अगर सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है तो वो एक्टिव। तो क्वेश्चन नंबर एक बहुत ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर एक पे ये प्रोजेक्टर सही हो जाए तो हम लोग इस स्क्रीन पर ही पढ़ लेंगे। इसमें कितनी स्क्रीन आती है? इतनी तक आती है? यस सर। नहीं सर, ज्यादा। इससे ज्यादा ही है। ज्यादा इतनी इतनी हां सर, इससे ज्यादा आती है।
इतनी इतनी आती है? अरे तो फिर बहुत बढ़िया, फिर अगली बार हम लोग प्रोजेक्टर पे सॉल्व करेंगे, पेपर की नीड नहीं होगी, ये जा सही रहेगा। चला लेते हो आप लोग कोई? ठीक, अगली बार प्रोजेक्टर से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एक, आप देखो कुछ लोग पूछ रहे थे करना कैसे है, कुछ लोग पूछ रहा है कि करना कैसे है इसको। लिखा दे कुड हैव, बोलो जरा कोई, दे कुड हैव हेल्प हिम, और देखो यहां लिखा हुआ है ए, और यहां लिखा हुआ है बी, यहां लिखा हुआ है सी, यहां पर डी, और यहां पर ई, यानी नो इधर। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें करना क्या है आपको, जैसे ये पूछ रहे लोग कैसे करेंगे, ध्यान से देना। अगर दे कुड हैव में आपको गलती लग रही है तो ऑप्शन ए टिक कर दीजिए, ए। आपके ये बोलेंगे हेल्प हिम, अगर इसमें कोई गलती है तो ऑप्शन बी टिक करेंगे। हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम, अगर इसमें कोई गलती है तो सी टिक करेंगे। फॉर हेल्प वेल इन एडवांस, इतने में जो ये लाइन बनी है ऐसे ऐसे, तो इसमें अगर कोई गलती होगी तो हम डी ऑप्शन टिक करेंगे, और अगर इसमें कोई गलती नहीं है तो हम नो क्या कर देंगे, नो की। तो आपके पास 30 सेकंड है और आप अपना सही जवाब दे। ठीक, अब देखो मेरी बात, अब एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पर बताता हूँ। अच्छा आपने ये तो पढ़ाई है कि कुड होता है तो कुड भी कर देते हैं, और कुड हैव होगा तो कुड हैव बी। अब देखो बाई दिख रहा है इनको, इसका मतलब पैसिव वाइज है ये, तो दे कुड हैव हेल्प, ठीक है, दे कुड हैव हेल्प हिम, ये ऐसे नॉर्मल है। उसके बाद में हैड दे अप्रोच, आप देखो ये बाई, ये वाला पोर्शन यहां से यहां तक ये पैसिव है, क्या है, पैसिव। हैड दे अप्रोच्ड बाय हिम, पैसिव दिख रहा है आपको। अब आप बताओ हैड का क्या हो जाता है, हैड बीन, हैड का क्या हो जाता है, हैड बीन। तो हैड दे बीन ओके अप्रोच, दे हैड दे बीन अप्रोच होना चाहिए था, तो इसका मतलब इस पार्ट में गलती है, तो हम ऑप्शन सी क्लिक करते हैं। क्या सबको समझ में आया क्या तरीका है? ठीक, अब ऐसे क्वेश्चन नंबर टू देखना था। एवरी वन इज इम्प्रेस्ड बाय पिंटूज जीन एंड इंटीरियर, अब आप लोग बताओ कहां पे गलती, क्या है गलती? अब आप लोग देखो कि ये पैसिव वाइज है, बाई से मालूम होगा पैसिव वाइज है। अच्छा पैसिव वाइज में क्या होता है बताओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म। एवरीवन इज इंप्रेस लिखा हुआ है, क्या होना चाहिए, इंप्रेस्ड, क्या होना चाहिए, इंप्रेस्ड। तो इंप्रेस्ड कहां पे लिखा है, बी ऑप्शन में, तो इंप्रेस की जगह पर हम लोग करेंगे इंप्रेस्ड, ऑप्शन बी, तो बी में गलती है और उसमें डी बढ़ा लेंगे। So, सही भी कर लो, उसमें इंप्रेस कर दो, और लोग अपना इंप्रेस लिख लो, ताकि आप घर में प्रैक्टिस करो तो आपको याद।
क्वेश्चन नंबर थ्री सी भाई सी थ्री में क्या गलती है सी में क्या गलती है अच्छा क्या गलती है चलो अभी ये वाला कराऊं देखो क्या गलती है लिखा हुआ बीइंग अ वेरी फास्ट वर्कर और ये लिखा हुआ था ए ऑप्शन ही इज ऑलवेज एंड ऑलवेज लाइकिंग और ये ऐसे लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है बी बाई All this colleagues and superior colleagues and superior to क्या गलती मिली सबको तीसरे में क्या है गलती तो कुछ कोई नहीं बोला क्या है तो सही से बोलो ना फिर किसी को नहीं मिल पाई गलती फिर मैं बता लॉयर देखो ध्यान से बहुत ध्यान से देखो इस लड़ को बीइंग अ वेरी अच्छा ये बताओ ये पैसिव है कि नहीं पैसिव तो है श्योर कंफर्म है ना बाय बीइंग अ वेरी फास्ट वर्कर ही इज ऑलवेज और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी कि बी ऑप्शन में गलती थी और लाइकिंग की जगह क्या हो जाएगा क्या गलती दिखी इतनी आसान थी लेकिन बता नहीं पाया किसी ने भी नहीं बता पाया क्वेश्चन नंबर फोर देखो अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूं क्योंकि समय बहुत कम है इफ यू डू नॉट सबमिट submit the report in the next 2 days all of us will be delayed or will be delayed हो जाएगा working third form delay नहीं delayed यानी D of यहाँ पे देखो delay की यहाँ पे delayed working third form चाहिए कि नहीं चाहिए नहीं मिल पाया मिल गया D of sir आप सही कर दोस्तों की निकला चौथे में गलती पांचवे में गलती ढूंढने में दिक्कत होती है लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर आप कर ही लेंगे क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट कितनी प्रैक्टिस में करा दूंगा आपको नेक्स्ट सिक्स बाय होम वॉच विजन और एस आपको बहुत अच्छी बात बताऊं जैसे पैसिव में चाहिए होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ये कह रही हैं कि टेलीकास्ट का होना चाहिए टेलीकास्टेड तो आप एक बात याद रख लो टेलीकास्ट की तीनों फॉर्म टेलीकास्ट 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 टेलीकास्टेड नहीं होता है क्या बात समझ में आ गई जैसे कट 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 टेलीकास्ट टेलीकास्ट तो नो यार
No, not very. एट में गलती कोई बताएगा? जो बताएगा उसको इनाम दिया जाएगा, जो बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये गलत है जवाब। गलत है जवाब। सर नो इधर है, नो इधर गलती है। मैंने अहद पर चैलेंज किया है, किसी को नहीं पता। फिर अभी एक और मौका, जो बता देगा उसको इनाम दिया जाएगा। चलो मैं बी वाले में नहीं, मैं बताता हूँ। देखो खत्म, तुम लोग कुछ नहीं बता, तुमको चुप रहो। मैंने अभी बताया था कि कुछ ऐसे वर्ड होते हैं उनके साथ बाई का प्रयोग नहीं होता। जैसे मैंने कहा नो के साथ टू लगता है ना, तो इसमें बाई नहीं आएगा। ऐसे ही इसी में एक शब्द लिखा हुआ है एनॉयड। क्या लिखा हुआ है? एनॉयड। एनॉयड साथ बाई नहीं, एनॉयड साथ एट लगता है। यही तो मैं बताया था, एनॉयड के साथ एट लगता है। एनॉयड के साथ एट। ऑप्शन नंबर थ्री, नौ का जवाब। सच अ नेस्टी लेटर वाज बोलो। वाई वाज का तो सही है, वाई वाज सच अ नेस्टी लेटर। और फिर वाज आ गया तो दूसरा वाला जो वाज है ये बेकार है, इसे हटा दो भाई। आगे रिटर्न बाय योर, तुम्हारे भाई की तरह इतना गंदा रिटर्न लिखोगे। तो दूसरा वाला जो वाज है वो हटा दो, सी ऑप्शन दे दीजिए। दस में गलती, टेन में जल्दी, ठीक है नो इधर। इलेवन में, इलेवन में बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। इलेवन, इलेवन को ध्यान से देखिए, इस इलेवन को ध्यान से देखिए। इलेवन पे लिखा हुआ है द लोनली लेडी बजल्ड व्हेन सी फाउंड सम स्ट्रेंज फुटप्रिंट्स नियर द डोर। आई होप सबको दिख गया होगा। ओके तो अब आप ये देखो इसमें गलती क्या है। बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ये पैसिव वाइज है, और जब पैसिव वाइज है तो हमको चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हो जाएगा सही द लोनली लेडी वॉज बजल्ड, ठीक है ना। तो वॉज लगेगा बजल्ड से पहले। देखो जो लोग नहीं आए, कुछ लोगों के पास पेपर नहीं, तो उनको मैं पूरा पेपर यहां दिखा दे रहा हूं, तो आप लोग अपना स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है ना, इतना आधा मैंने दिखा दिया आपको और ये रहा आधा। तो यहां से सब लोग अपना अपना पेपर देख लेंगे। तो ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ओके आगे, 11 हो गए, 12 नंबर देखो। द पुअर बॉय वॉज अप्रोच टू द प्रिंसिपल एंड रिक्वेस्टेड हिम टू फॉरगिव हिम फॉर हिज मिस्टेक्स। बी में क्या गलती है? डी में। बताओ बताओ क्या गलती है? कोई बता नहीं पा रहा है, कोई गलती नहीं है। मैं बताता हूं आपको, आप पहले इसको ही पहचानो कि ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। पैसिव
अच्छा ठीक है, और आगे देखो एंड रिक्वेस्टेड कहाँ पे सुपरवाइज है, फॉर वैल्यू फॉरगिविंग, ये एक्टिव वॉइस लिखा हुआ है, और अगर ये एक्टिव वॉइस है तो 12 में द पुअर बॉय के बाद में वॉज नहीं, द पुअर बॉय के बाद वॉज नहीं हो पाएगा। क्या बात समझ में आई? तो अप्रोच से पहले वाज को हटा दीजिए, ऑप्शन नंबर एक सही है। ठीक 13 आपको ये पहचानना होगा कि ये एक्टिव वाइज है कि पैसिव वाइज है, और आप तब जवाब सही पाएंगे। एन अनप्रीसीडेंटेड नोट वाज ब्रोकन आउट, क्या करना है इसमें, तो क्या करें इसमें, वाज हट जाएगा। बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि ये एक्टिव वाइज है, अगर ये एक्टिव वाइज है तो वाज नहीं हो पाएगा। क्या मेरी बात समझ पाए? एन अनप्रीसीडेंटेड, अनप्रीसीडेंट का मतलब होता है अभूतपूर्व, अभूतपूर्व। नेक्स्ट 14 मिस्टर गुप्ता डिसओन्ड हिज सन, अपने बेटे को बेदखल कर दिया और कहा बिकॉज ही वॉज मैरिड अ शेड्यूल कास्ट गर्ल, क्योंकि उसने एक शेड्यूल कास्ट लड़की से शादी कर ली, तो उसके डैडी ने कहा कि दूर हो जाओ मेरी नजरों से, मैं तुम्हें बेदखल कर दिया, बेदखल कर दिया अपने बेटे को। आप बताओ तो मिस्टर गुप्ता डिसओन्ड हिज सन ओनली बिकॉज ही मैरिड अ शेड्यूल्ड कास्ट गर्ल, तो वाज जो है इसमें से है हट जाएगा और ये एक्टिव वॉइस है। ठीक नेक्स्ट 15 15 का जवाब बता दीजिए। नो एरर, 16 का जवाब 16 देखो 16 में कोई बता नहीं पा रहा है, क्यों नहीं बता पा रहा है? 16 में है द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट वेदर दे कुड टेल नेम, अब देखो अगर ये पैसिव होता तो कुड भी होता, इट मींस ये एक्टिव है, ये क्या है एक्टिव। ओके कुड टेल द नेम ऑफ द मैन हु, अब जब एक्टिव है तो हु हैड बीन कैसे हो जाएगा, हो ही नहीं पाएगा, तो हैड बीन टांग हुआ तो हो जाएगा हु डिस्कवर्ड अमेरिका, तो डी ऑप्शन में गलती थी, तो ये एक्टिव वाइज। 18 का जवाब सिस्टमैटिक ट्रेनिंग इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू मीट डिफाइंड नीड्स डेवलप, देखो गलती मिली कि नहीं। yes, 17 छूट गया yes, चलो 17 पे आ जाओ, 17 में गलती, यू आर सपोज टू हैव बीन कंप्लीटेड, मैंने आपको ये भी बताया था क्या, जब टू लग जाता है तो उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू लगने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाता है आपका इन्फिनिटिव, क्या बन जाता है इन्फिनिटिव, तो इसमें क्या है यू आर सपोज टू, अब जो ये हैव लिखा रहे हैं तो टू हैव बीन हटा दो और कंप्लीटेड का कंप्लीट कर, वर्ब की हमको चाहिए होगी फर्स्ट, तो सही बन जाएगा यू आर सपोज टू हैव कंप्लीट, इंपॉर्टेंट
असाइनमेंट लॉन्ग एक्टिव में पता करती क्या है, ये पैसिव वाइज है और इसे हमें करना पड़ेगा सिस्टमैटिक ट्रेनिंग एक स्पेसिफिकली डिजाइंड थर्ड फॉर्म लिखा हुआ विल बी रिजल्ट, तो क्या होना चाहिए? विल बी आवाज बहुत कम आ रही, विल बी रिजल्टेड 20 सी एडवाइज्ड बाई अस। अब देखो पैसिव वाइज है और लिखा क्या है सी एडवाइज, क्या गलती है इसमें? क्योंकि पहले टू लिखा हुआ देखो टू मीन टू मीन चेयरमैन मुंबई इसमें गलती हो क्या है ऑप्शन नंबर एक में क्योंकि ये पैसिव है तो सी एडवाइज नहीं सी वाज एडवाइज। बात समझ में आ रही कि नहीं? वाज क्यों आया क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है तो उससे पहले हमको चाहिए वाज तो सी वाज है। 21 इसे दिखा दिया तो उसको उसको दिखा दे परेशान है होते 21 में गलती द नीडी मैन वॉज अप्रोच टू द मनी लेंडर एंड रिक्वेस्टेड हिम टू लेंड हिम सम मनी, तो क्या गलती हो जाएगी? बिल्कुल सही, बहुत अच्छे। तो इसमें वाज नहीं हो पाएगा, द नीडी मैन अप्रूव्ड, वाज हटा दीजिए एक्टिव वाइज। 22 का जवाब 22 व्हेन द डैमेज हैज बीन डन, सही है, एंड द फ्यूचर ऑफ द पीपल हैज बीन होना चाहिए, पैसिव है ना तो हैज के साथ बीन लगाओ हैज बीन, क्योंकि आगे देखो विल बी भी है, पहले भी हैज बीन था और फिर बाद में भी विल बी हैज बीन होना चाहिए। ऑप्शन सी में गलती। 23 में सी हैड ऑफर्ड अ टेम्पररी असाइनमेंट बट सी टर्न्ड इट डाउन सेइंग दैट शी वुड एक्सेप्ट ओनली अ परमानेंट वन। बताओ सी हैड बीन offered लिखा हुआ है, सी हैड बीन ऑफर्ड अ टेम्पररी असाइनमेंट। तो इस तरीके से हम लोगों ने आज ढेर सारे एक्टिव पैसिव के कठिन से कठिन और सरल से सरल पेपर क्वेश्चन सॉल्व किए। किसके पास पेपर नहीं है? रबर नहीं है? तुम बहुत नालायक हो, खुद लो ठीक कर लो। अरे मेरी बात तो सुनो, मतलब मैं अभी खड़ा हूँ, आप लोग जा रहे हैं, तो आज का सेशन कैसा रहा प्रैक्टिस वाला? अब ये बताओ अगला चैप्टर क्या पढ़ना चाहते हैं आप? देखो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं मैं आपको एक बार रिवाइज कर रहा हूँ फिर बताऊंगा। देखो हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, बात नहीं करो। देखो हम लोग नाउन कर चुके हैं, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, अरे बात क्यों कर रहा है, एडजेक्टिव हो गया है, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी हो चुका है, yes, है ना, एक्टिव पैसिव भी हो चुका है, क्वेश्चन टैग भी हो चुका है, है ना, और क्या कर चुके हम लोग? और हाँ हम लोग वन वर्ड कर चुके हैं, इडियम्स कर चुके हैं,
idioms and phrases कर चुके हैं, है ना? Yes. और vocab भी कर चुके हैं, vocab में synonyms कर चुके हैं। तो अगला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे बताओ? दो ऑप्शन, वर्ब पढ़ लो या फिर आप मुझसे पढ़ लो टाइम एंड टेंस। टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो फिर हम लोग अगला चैप्टर पढ़ेंगे टाइम एंड टेंस, ठीक है ना? तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।